भगवान बाल गोपाल की लीला की कहानी तो शायद सबने सुनी ही होगी। इनके चमत्कार का हर कोई दीवाना है। इनके प्यार के किस्से आज भी हम धार्मिक किताबों में पढ़ते हैं। बता दें, भगवान कृष्ण ने बाल जीवन में ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन अपने भक्तों को दिखाया था। वैसे तो कृष्ण भगवान काफी ज्यादा नटखट हैं, लेकिन इनकी शक्ति देखने लायक होती है। जो भी सच्चे मन से इनकी पूजा कर ले, उनकी समस्त कलेश दूर हो जाते हैं। जीवन में ग्रहों का बहुत बड़ा महत्व होता है। इन ग्रहों की चाल से हमारे जीवन की सभी प्रभाव दूर हो जाते हैं। अब की बार जन्माष्टमी के बाद से इन तीन राशि के लोगों के जीवन में भगवान कृष्ण खुद आ रहे हैं। इन राशियों पर प्रभु की खास नजर है, इसके चलते इन तीन राशियों के संकट दूर होने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं उन तीन राशियों के बारे में। मिथुन राशि। जन्माष्टमी के बाद से इस राशि के जातकों का कल्याण होने वाला है। इस राशि के व्यक्तियों के प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद इनके ऊपर अब आने वाला है। इनको नौकरी या फिर व्यवसाय में बहुत लाभ प्राप्त होगा। इनका कारोबार भी काफी तेजी से चलता हुआ आगे बढ़ेगा, पैसा ही पैसा होगा। कर्क राशि। आपको बता दें, कर्क राशि के व्यक्तियों को जन्माष्टमी के बाद से काफी लाभ होना शुरू हो जाएगा। यह इन दिनों अब भूमि, वाहन और मकान खरीद सकते हैं। सेहत भी इनकी ठीक रहेगी। पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं तो उससे मुक्ति मिलेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेष राशि। अब आपके सारे अटके हुए काम आसानी से बन जाएंगे। बताते चलें कि मेष राशि के व्यक्तियों पर भगवान खुद चलकर इनके घर आ रही हैं। धन लाभ और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन का अचानक से आगमन हो सकता है। नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।